सावन के पहले सोमवार को यादव बंधुओं द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के समय से यदुवंशी समाज काशी विश्वनाथ सहित प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करता चला आ रहा है, जिसमें काशी विश्वनाथ दल ने परंपरागत तरीके से शीतला घाट से जल भरकर बाबा काशी विश्वनाथ को गर्भगृह में जलाभिषेक किया। सोमवार को यदुवंशी समाज पूर्व की भांति इकट्ठा होकर सर्वप्रथम माँ गंगा का पूजन अर्चन करने के बाद गागर में जल भरकर माँ शीतला का जलाभिषेक करते हैं और पुनः शीतला घाट से जल भरकर ढूंढी राज गणेश का पूजन कर माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सावन के प्रथम सोमवार का कल हम लोग का जलाभिषेक होता है और हम लोग परंपरागत 1952 से मेरे पिता स्वर्गीय तेजू सरदार जी शीतला घाट से यदुवंशियों के नेतृत्व में जलाभिषेक करते चले आए हैं। उसी परंपरा का हम लोग निर्वाह करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाए हैं। हम लोग भी जब से होश संभाले तब से जलाभिषेक शीतला घाट से ही करते चले आए हैं और ढूंढी राज गणेश का पूजन करते हुए मां अन्नपूर्णा का पूजन करते हुए गर्भगृह में हम लोग जाते हैं। ये चूँकि परंपरागत होता है, इसका कोई अनुमति नहीं होता है। चूँकि कोरोना काल इसके पहले कोरोना काल था तो शासन प्रशासन ने हम लोग को 5-5 लोग की अनुमति दी थी, जिसका प्रमाण पत्र भी मेरे पास है, वो संलग्न है आपके पुस्तिका में। तो अब क्या है कि अब कोरोना काल का प्रभाव कम है, इस वजह से बाबा के भक्तों की संख्या ज़्यादा रहेगी, हज़ारों में हो सकती है। हम यही अपने देशवासियों से आह्वान करेंगे कि आएं और कल बाबा को जल चढ़ाएं। बाबा के जो भक्त हैं वही अनमोल होते हैं, कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं होता है, वो यादव ही होगा जो जलाभिषेक करेगा और बस यही है। उसमें कोई प्रमुखता की हम लोग की बात नहीं है, क्योंकि हाँ कई राज्यों से लोग आ रहे हैं। हमारे वेस्ट बंगाल में बगल में बैठे हैं विकास यादव जी, ये वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं काशी विश्वनाथ दल के। हमारे बगल में मदन यादव जी हैं, काशी विश्वनाथ दल के संरक्षक हैं यहाँ। और राजस्थान से लोग आ रहे हैं, यादव समाज के लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आए हैं यादव समाज के लोग, आके बनारस में रुक चुके हैं। आपका झारखंड से हैं विजय यादव जी हैं, भीम यादव जी हैं झारखंड से, बिहार से हैं शैलेश यादव जी हैं, ऐसे करके अपने 27-28 राज्यों से 10 की संख्या में हम लोगों ने ये बनाया कि कम से कम 10-10 लोग एक एक राज्य से आके प्रतिनिधित्व करें, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि राष्ट्रीय जलाभिषेक बाबा को हम लोगों ने जल चढ़ाया है और अमन शांति चैन हमारे देश में बना रहे। हम लोग विश्व कल्याण के लिए हम लोग ये जलाभिषेक करते हैं, ताकि सब तरफ खुशहाली रहे। ऐसा मान्यता है कि बारिश होता है और खेती खलिहान सब अच्छा रहता है, हम लोग की खेती बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें भलाई का कार्य करते हैं साल भर तक। कितनी संख्या में लोग होंगे? हज़ारों की संख्या में होते हैं। कितने बजे लगभग ये आपकी शीतला घाट से 9 बजे हम लोग जलाभिषेक प्रारंभ करते हैं जी, जो हम लोग का समय फिक्स है, और ढूंढी राज गणेश से ही जाते हैं गली से। हाँ, ये परंपरागत होता चला आया है, इसमें कहीं कोई अनुमति की बात नहीं होती है, ये आपको पुनः आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।